आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैं बड़ी स्पेसिफिक देश की बात करूंगा और थार की बात करूंगा। सिर्फ उस मुद्दे पर मैं केंद्रित रहूंगा। अपन लोग आपस में मिलते रहते हैं और अपन बाकी तमाम दूसरे विषयों के लिए किसी और वक्त अपन बात करेंगे, क्योंकि इस देश से पहले हम लोगों के लिए कुछ भी, और जहां हम रहते हैं वो थार है, इस थार से पहले ज्यादा महत्वपूर्ण हम लोगों के लिए कुछ भी नहीं। थार का जो योगदान, थार की अपनायत है, इससे पहले हम लोगों के लिए कुछ भी। आज हम सब लोगों की जिम्मेवारी बनती है कि इस थार को कैसे बचाएं। बहुत गंभीर हालात थार के अंदर पनप रहे, बहुत गंभीर स्थितियां हमारे देश की सीमाओं के ऊपर हो चुकी। आज से दो दिन पूर्व जो आज तक हम लोगों को सिर्फ एक अपराधी लग रहे थे, लाल सिंह, उस अपराधी का 23 वर्ष तक फरार होना और उस फरारी के बाद में उस अपराधी का गिरफ्तार होना, गिरफ्तारी के बाद में जो हमारे रेंज आईजी है पुलिस के जोधपुर के, उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके बाद में जो प्रेस नोट के माध्यम से जो जानकारी हम सब लोगों को मिली है, वो बहुत चिंताजनक है। मैं इस अवसर पर सबसे पहले तो तय दिल से थार को बचाने के लिए और हमारे देश की सीमाओं के अंदर जो गतिविधियां कर रहे हैं उनको रोकने के संदर्भ में जो पुलिस दल ने लाल सिंह को गिरफ्तार किया, उन तमाम पुलिस दल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। ये लॉ जो थार की अपनायत की लॉ है, ये हमारी सीमाओं की रक्षा की लॉ है। इस लॉ को बुझने से बचाने के लिए उन्होंने जो कार्य किया, उसके लिए मैं तहे दिल से उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। साथियों, लाल सिंह का गिरफ्तार होना और उस गिरफ्तारी के बाद में जो आईजी जोधपुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो जानकारियां मिलना, वो बहुत चिंताजनक नहीं है, हमारे लिए बहुत घातक है। देश की सीमाओं के अंदर हमें हमारे परिवार के लोगों ने शहादत दी, जो जानकारी हम लोगों के बीच में साझा करी, जो जखीरा मिला, हथियार का जखीरा, बारूद, इस तरह के हथियार जो सामान्य किसी अपराधी के पास में नहीं, जो हथियार मिले वो सिर्फ सेना अर्धसैनिक दल है सिर्फ उनके पास ही रहे, उस तरह के हथियार आज हम लोगों के बॉर्डर के ऊपर मिलना, और फिर प्रेस नोट के माध्यम से जो बारूद और जो फैक्ट्री का संचालन होना, बहुत गंभीर और चिंताजनक। उस क्रम के अंदर ही एक और उल्लेख रेंज आईजी ने किया, वो उल्लेख फंडिंग का किया। ये बहुत चिंताजनक चीज है कि 23 वर्ष तक जो फंडिंग करी जा रही थी, क्या इस तरह की संस्कृति हमारे बॉर्डर के ऊपर हमको पनपने देना चाहिए या नहीं देनी चाहिए? इस तरह की संस्कृति हम लोगों को थार के अंदर पनपने देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए? उसका साफ उत्तर है कि किसी भी कीमत के अंदर हम लोगों को ये इस तरह की संस्कृति, इस तरह की गतिविधियां क्या हम लोगों को नहीं करनी चाहिए? हम आने वाली पीढ़ियों को इस कैसा थार सौंप कर जा रहे हैं, ये हम लोगों के सामने सबसे बड़ा प्रश्न है। आज फंडिंग एक अपराधी तक ही नहीं, जो देश की सीमाओं के ऊपर इस तरह की गतिविधियां कर रहे हैं, उसको उनको फंडिंग कौन कर रहा है, किस मकसद से कर रहा है? मेरे पुलिस से निवेदन है, उसका भी आप जो जानकारी आपको मिली है
उसको भी आप सार्वजनिक करो। जो प्रारंभिक पूछताछ हुई वो प्रारंभिक पूछताछ के अंदर आपने मीडिया को माध्यम से जो हम लोगों को जानकारी दी है उसको भी आप साझा करो। ये फंडिंग का पैटर्न, ये फंडिंग हमारे थार में इस तरह की गतिविधियों से हो रहा है, बहुत चिंताजनक। ये संस्कृति जो पैदा होने में, संस्कृति इसलिए कह रहा हूं कि सिर्फ ये इकलौता है, इस देशद्रोह के क्राइम में यूएस से पहले भी हमारे बाड़मेर के अंदर बड़ा चिंताजनक होता, ऐसे कई उदाहरण है। उदाहरण के तौर पर आज से एक वर्ष पूर्व कोजाराम का हत्याकांड होता है, निष्पक्ष जांच और जो अपराधी उसके खिलाफ कार्रवाई के जगह अपराधी को बचाने के लिए फंडिंग की जाती है, बहुत चिंताजनक चीज है कि ये संस्कृति जो थार में पैदा हो रही। और उससे बड़ी चिंताजनक जो चीज है कि उस फंडिंग का महिमा मंडन हो रहा है। हम इस तरह की संस्कृति पैदा कर रहे हैं नौजवान के लिए, अगली पीढ़ी के लिए, हम जो प्रोत्साहित कर रहे हैं कि गलत गतिविधियों के अंदर मदद कर रहे हैं, वातावरण निर्मित कर रहे हैं कि वो गलत गतिविधियों में, गलत दिशा के अंदर आगे बढ़े, ये चिंताजनक चीज नहीं। अपराधी कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, किसी परिवार से हो, किसी काम से हो, किसी भी राजनीतिक दल के किसी कार्यकर्ता नेता के पक्ष में हो, विरोध में हो, इस तरह की चीज आज हम लोगों के देश के लिए बहुत घातक है। जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, इस घटनाक्रम के लिए उसकी सही जानकारी मिले, उस घटनाक्रम के माध्यम से जो हम लोगों के लिए बड़ी घातक परिस्थिति जो हम लोगों के सामने आई भी, उसके लिए हम लोग हर कार्य छोड़कर इसको कैसे हम लोग जड़ से धार से बाहर निकाल कर और हम लोग फेंके, हम सब लोगों की सामूहिक जिम्मेवारी बनती है। अपराध होना, अपराधियों को जो न्यायपालिका है, न्याय है, उससे भगाना, भगाने के बाद उसकी सुरक्षा करना, उसकी फंडिंग करना, उसकी महिमा मंडन करना, ये तमाम जो कार्य है ये हम लोगों के देश के लिए ठीक नहीं है, थार के लिए ठीक नहीं है, अपने अपने के लिए ठीक है। अपराधी के खिलाफ 19 मुकदमे हैं, 19 मुकदमे किस तरह के हैं वो भी चिंताजनक। अपराधी आज इसी इलाके के अंदर 23 वर्षों से रह रहा है, ये बात इसी थार में अपराधी 23 वर्षों से रह रहा है, ये हम सब लोगों के लिए चिंताजनक चीज है कि क्या हम लोग इस बॉर्डर के ऊपर अति संवेदनशील इलाके के अंदर हम संवेदनशीलता अपनी खत्म कर रहे हैं। ये मेरे समझ से परे इस तरह की जो संस्कृति पिछले दिनों में प्रयास की जा रही है उसको हम लोग नजरअंदाज करें, उसके अंदर हम इतिहास हमें माफ नहीं करेगा। आज 48 घंटे हो गए हैं, हम सब लोग मौन है, क्या हमारा फर्ज नहीं बनता इस देश के लिए, क्या हमारा फर्ज नहीं बनता थार के लिए? जब इतनी घातक जानकारी हमको मिल चुकी है उसके बावजूद भी ये मौन, ये चुप रहना, क्या थार के लिए, भारत के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए ठीक है या नहीं? सिर्फ यही चिंता थी, ये दर्द था जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं पूरी देश के नागरिकों के बीच में रखना चाहता हूं और थार के लोगों को जगाना चाहता हूं, क्योंकि जिम्मेवारी थार के लिए क्या है, उनकी जिम्मेवारी सीमाओं के लिए क्या। जिस तरह की जानकारी आई है कि सिर्फ एक अपराध के संदर्भ में नहीं आई, इस बॉर्डर के अंदर संगठित तौर के ऊपर फंडिंग के संदर्भ में नहीं आई, इस बॉर्डर के ऊपर जिस तरह के हथियार, जिस तरह का बारूद, असला, जिस तरह की फैक्ट्रियां, जिस तरह की गतिविधियां हो रही है वो हम लोगों के देश के लिए बहुत घातक है। मेरा सरकार से ये मांग है कि न्यायिक जांच कर और कोई भी किसी भी स्तर के ऊपर इन चीजों में सम्मिलित है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। धन्यवाद।